खाता तो ये बात नहीं करते, खाने के बाद बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आजकल चल रहा है रमज़ान का महीना और आज इस व्लॉग में बताएंगे कि रमज़ान जो है वो यूएफ के स्टूडेंट्स उनका कैसा गुजरता है, अफ्तारी का क्या सीन होता है, तो ये सारी चीज़ें इस व्लॉग के अंदर कवर करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं अफ्तारी करने। आज की अफ्तारी जो है हमारी क्लब की तरफ से है, आर्ट क्लब की तरफ से, और इसके लिए हम लोगों ने रजिस्टर किया है। पैसे वो पीछे कुत्ता नज़र आ रहा है, पैसे वगैरह हम लोगों को दिया है, अफ्तारी है उनकी तरफ से, तो अफ्तारी करने जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग यूजुअली अफ्तारी करते होते हैं बाहर जाके, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले हमारे फ्रेंड्स ने। इंडे हम आ गए यहाँ पे रोड पे, हम बैठे थे लंगर में, तो वैसे ही होता है। लेकिन आज जो है हमारे क्लब की तरफ से हमारी अफ्तारी, देखे कैसा कैसी अफ्तारी होती है और क्या सीन होता है, तो चलते हैं। वैसे मौसम भी आज अच्छा है। नाजरीन, हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए हैं। ये सफ़र कोई एक आधे किलोमीटर का है। हम फॉरेन फैकल्टी में जाएंगे, वहाँ पर हमारी अफ्तारी का अरेंजमेंट। IBMS के ग्राउंड से हमारी पहली अफ्तारी का, अफ्तारी का जो हिस्सा हुआ था यहीं पर हुआ था। कोशिश तो पूरी करते हैं मैस वाले की अफ्तारी अच्छी दी जाए, लेकिन अपना ही अच्छी होती, लेकिन उनके लिहाज से अच्छी होती, लेकिन घर का मज़ा अपना। एंट्रेंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ये देखें। ग्रीनरी के लिहाज से यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, हर तरफ दरख्त हो रही है। अच्छा, आप पूरे फैसला पता है, जैसे यूनिवर्सिटी किले से बाहर निकलेंगे आपको ना बड़ा एक हीट सी फील होगी, जैसे गर्मी में होती है ना एक खबस सी और हीट सी लगती है, लेकिन जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के एरिया में आएंगे आपको एक ठंडी सी हवा, एक ना मुसरे सी मिलेगी, बहुत अच्छी लगती है वो। इस चीज़ के लिए मैं वाकई यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट करूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है ग्रीनरी के लिहाज से। आप देख सकते हैं हर तरफ पौधे और ग्रीनरी और रोड साफ, बहुत अच्छा माहौल दिया हुआ है। यहाँ पे अफ्तारी उफ्तूरी कोई नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ धुंधड़ का होता है। और ये नाजरीन, हम जा रहे हैं, आवाम अपनी अफ्तारी लेके पहुँच रही है। और ये डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स, ये हमारी यूनिवर्सिटी की मार्केट जो कि इस टाइम बंद है, कुछ दुकानें खुली हुई हैं अफ्तारी के लिए, इनको अरेंजमेंट करवाना है। और मस्तूरात भी जा रही हैं नाजरीन, ये ईट मीट आ गई है। ये हमारा कैफे था यूएस का, सामने वो बाइक्स लगी हुई हैं, वहाँ अफ्तारी है। कहाँ पे अगले पेज पे जाए आप? तमाम इस तरह के आएंगे, हम लोग रहें या ना रहें यूनिवर्सिटी के अंदर, जो हमारे बाद आने वाले हमारे जूनियर हैं वो भी इंशाल्लाह इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और हम लोग इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये काम चुनौती थी क्योंकि अगर कोई भी क्लब इवेंट करवाता है तो सबसे पहले बड़े को सर नाराज थे, लड़के गए कि मैं सुबह पाया या मैं सुबह हो गया। उनके साथ जो है वो डॉक्टर हरून तमाम का, डॉक्टर हरून रशीद साहब रखे हुए हैं, मुझे रोना लगा। बड़े भाई इधर भी पानी दे दीजिएगा। बड़े भाई इधर कर दीजिए, बड़े भाई। आता था अगर काफ़ी है एक
अस्सलाम वालेकुम, आपका नेम क्या है? आप बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इफ्तारी का? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतजाम किया, थोड़ा सा सरीदर कर ले, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था इंतजाम का, पार्टी का एस पी वाले ने बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा इंतजाम था अल्हम्दुलिल्लाह। पकौड़े आए हैं और अभी पकौड़े खा रहे हैं, ये पहले जो थी ना इनकी कमी थी पकौड़ों की। कशान भाई कैसी लगी आपको इफ्तारी? खाता तो ये बातें नहीं करते, खाने के बाद बताऊँगा। जी इफ्तारी का मामला जो है वो ख़त्म हो गया है, और चलता कैसे है तू, बंदे मार के बाइक किधर है? ये हमारी अफ्तार पार्टी हो गई है, हम निकल रहे हैं, उसके बाद की बस है, उसके बाद बस में जाएंगे, हम मोटरसाइकिल पर डील हो रहे हैं। अच्छा नाजरीन, ये अब आपको बताते चले कि माशाल्लाह से 200 रुपये वाला हाल हो गया है, बहू लेवल की अफ्तारी हुई है। अंधेरे में आपको मेरी शक्ल नज़र नहीं आ रही क्योंकि देखने के काबिल नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छी अफ्तारी की है उन्होंने, ऐसी अफ्तारी पूरी यूएस में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इन्होंने 200 रुपये ले कर जो हलाल किए हैं, इनके रोज़े हलाल, इनका रमज़ान हलाल, इनकी तरावियाँ हलाल, ठीक है।